हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। शिक्षा परिषद गुरुकुल मटिंडू चौधरी बीरू सिंह जी संस्थापक गुरुकुल मटिंडू दिव्यदर्शी शिक्षा विशार परोपकारी एवं सर्वोत्तम वक्ता की पुण्यतिथि के अवसर पर एवं गुरुकुल स्थापना दिवस पर उनके सम्मान में श्रद्धांजलि हवन का आयोजन दिनांक 20 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार समय प्रातः 10 बजे स्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुकुल मटिंडू। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ब्रिगेडियर सत्यदेव प्रधान। आज प्रदेश में पंचायती राज की जो दुर्गति हो रही है उसके बारे में उस विषय में आज बात करेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस बात को सोचती थी और वो कहती भी थी अपनी स्पीच में कि गांव में जो हम पैसा भेजते सेंटर से तो गांव में नहीं पहुंच पाता, अकस्मात उनका निधन हो गया। तो उसके बाद राजीव जी ने पंचायती राज की स्थापना की, इंदिरा जी के विचारों को आगे बढ़ाया और उसके तहत पंचायतों में पैसा पहुंचने लगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह के हालात पैदा हो गए और गाँव में जो विकास का पैसा देने में भारतीय जनता पार्टी हिचका चढ़ा रही है। आपने देखा होगा कई दिन से गाँव के जो नए सरपंच बने हैं अभी तो उनके सब कैसे विरोध हो रहा है, वो लोग कैसे विरोध कर रहे हैं सरकार का। वो ठीक कर रहे ही टेंडरिंग की बात कर रहे हैं, अधिकारियों द्वारा टेंडर की बात कर रहे हैं। सही में देखा जाए जब पंचायत चुनते हैं वोट से पंचायत चुनी जाती है तो पंचायत का यही मतलब होगा कि गांव के विकास कार्य कराएं। लेकिन यहाँ विपरीत ये सरकार काम कर रही है, कभी कहते 2 लाख से ऊपर ये काम नहीं कर पाएंगे, तो ये सरासर गलत है निर्णय सरकार का। हम तो चाहते हैं कि सरकार तुरंत इस बात का फैसला ले, जो इनकी योजना है उसको वापस लें और हर पंचायत में, प्रदेश की हर पंचायत में समय पर पैसा विकास कार्यों का पहुंचा ताकि विकास कार्य हो सके। क्योंकि 8 साल में ये वैसे ही कोई विकास कार्य नहीं कर पाए हैं। 2 साल 2.5 साल तो इन्होंने कोरोना में निकाल दिए, फिर 1.5 साल इलेक्शन पंचायत नहीं हो पाया। तो इस तरह की बात गलत है क्योंकि गांव का विकास रुक जाता है इससे। तो सरकार को चाहिए तुरंत फैसला ले और आज जो विरोध की बात सरपंच कर रहे हैं इनकी बात जायज़ है, उस बात का मैं समझ। देखिए ये जो भी फैसले ले रही है सरकार ये जनता के बिल्कुल विपरीत है और इस तरह के फैसले ठीक नहीं। सही ढंग से मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। जैसे हमारी सरकार में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने KMP का मुआवजा बढ़ा के दिया था। और एक और बात कहना चाहूँगा मैं कि जिस तरह सरकार की ये योजना है वो सरासर गलत है विकास कार्यों में। IMT की बार बार बात करते हैं, हमने IMT इसलिए बनाया था ताकि इलाके का विकास हो। इन्होंने 8 साल में इसको डिले करके इलाके के साथ नुकसान किया है। और इसमें हमारी सरकार ने चाहा था कि प्रॉफिट की कोई ऐसी बात नहीं, यानी जनता का रोज़गार के साधन खुले और इसलिए IMT की ये स्थापना की गई थी। मैं कहना चाहूँगा सरकार को कि इसमें फ़ायदे का सौदा मत करें। अगर कंपनियों को देते हैं उसका प्रॉफिट होता सरकार को तो उसमें किसान का भी पूरा हक होना चाहिए। जो धरने पे किसान बैठे हैं रेलवे के मुआवजा बढ़ाने के लिए, आप उनका समर्थन करते हैं क्या? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, उनकी जो जायज मांगे हैं उनका समर्थन करता हूँ और उचित मुआवजा उनका मिलना चाहिए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनी। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट,
तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।